हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस ये चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया था, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो फ्लूइड होती है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो वो मोशन करेगा, या तो वो रेस्ट पे रहेगा, या तो वो प्रेशर और मोशन दोनों करेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, पहले हमें ये समझना होगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जब भी किसी फ्लूइड के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जब वो रेस्ट पे रहता है। कोई फ्लूइड है, पानी, मैं लिक्विड ले लेता हूँ। कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है और ये बॉडी है। कभी भी कोई लिक्विड के द्वारा अगर वो रेस्ट पे है, जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है किसी और बॉडी पे, तो जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ये फ्लूइड किसी और बॉडी पे जब वो रेस्ट पे है, तो उसे हम हाइड्रोस्टेटिक फोर्स बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड जब रेस्ट पे रहता है तो उसमें क्या कैसा फोर्स लगता है, कितने प्रेशर्स लगते हैं, कितने टाइप्स के प्रेशर्स होते हैं। अगर वो फ्लूइड कभी भी, कोई भी फ्लूइड अगर रेस्ट पे रहता है ना, उसमें पहली बात तो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा, मीन्स du बाई dy की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि वो कोई मोशन नहीं कर रहा है। और दूसरा चीज, इसमें शियर स्ट्रेस भी जीरो है, शियर स्ट्रेस भी जीरो है। और जो इसमें फोर्स लगेगा वो दो तरीके से होगा, जो फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगेगा वो दो तरीकों से होगा। पहला कि अगर उसके परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है, दूसरा इसकी जो पूरी बॉडी है उसके वजह से, मीन्स जी की वजह से लग रहा है, 9.81 की वजह से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। मान लो जैसे कोई ये कंटेनर, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, अंदर एक वो है बॉडी है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा जी की वजह से वो, या जी इस बॉडी की खुद की वजह से होगा, या तो इस पर जो प्रेशर लगेगा फ्लूइड का परपेंडिकुलरली प्रेशर, उसके वजह से होगा, ठीक। और टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, इसमें दो टॉपिक आते हैं कि टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। टोटल प्रेशर पहले समझ लेते हैं क्या होता है। टोटल प्रेशर, कोई फ्लूइड है वो रेस्ट में, क्योंकि इसमें हम रेस्ट में बात करेंगे फ्लूइड्स को, फ्लूइड है ये रेस्ट में है, ठीक है। जब ये रेस्ट में और किसी बॉडी पे रखी हुई है या किसी बॉडी से सटी हुई है फ्लूइड, ठीक है, जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इस फ्लूइड के द्वारा इस बॉडी पे, जब ये दोनों कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और वो फोर्स जब भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उसे हम टोटल प्रेशर बोलेंगे। टोटल प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स जो एग्जर्ट किया जाता है स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा जब भी वो प्लेन या कर्व सरफेस सरफेस के कांटेक्ट में, प्लेन हो गया या तो कर्व सरफेस के कांटेक्ट में है, तो जो फोर्स एक्ट करता है परपेंडिकुलरली उस सरफेस के, तो उसे हम टोटल प्रेशर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, जहां पे टोटल प्रेशर का एप्लीकेशन होता है, मींस कि ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जब ये परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर हमें मिल रहा है, तो जहां पे एप्लीकेबल होता है उसे हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। सेंटर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर। सिंपली अगर एग्जाम में आए तो हम ये लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर। और जो एक्ट करता है ये आपका सबमर्ज सरफेस की अगर बात करें, अगर जो सरफेस हमारा वो लिक्विड में आधा मर्ज है, उस केस में पहली बात तो या तो हमारा वो वर्टिकल होगा, या तो हॉरिजेंटल होगा, या तो इंक्लाइंड होगा सरफेस लिक्विड में, या तो वो कर्व सरफेस होगा। कर्व सरफेस इन द केस ये सरफेस कुछ इस टाइप का होगा, ये कर्व है, कोई वो नहीं है इसमें देखो। तो ये चार चीज आ जाती है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर का जो वैल्यू होती है, अगर निकालना चाहे तो चार केसों में निकाल सकते हैं। सरफेस अगर आपका वर्टिकल हो, हॉरिजेंटल हो, इंक्लाइंड हो, या
हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया, इंक्लाइंड हो गया, या आपका कर्व्ड हो, उस केस में मैं बता दिया। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है वो पता चल गया। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है वो जीरो होती है और शियर स्ट्रेस भी जीरो होता है। इसमें जो फोर्स लगता है फ्लूइड के द्वारा किसी पार्टिकल पे या किसी बॉडी पे, वो दो चीज़ों की वजह से लगता है। पहला, जो उसके सरफेस के नॉर्मल लगे, मीन्स अगर ये फ्लूइड है और ये कोई सरफेस है तो इसके नॉर्मल में जो एक्ट करे फोर्स। और तीसरा, जो इस खुद की बॉडी, इसकी जो जी जी ग्रेविटी के वजह से जो इसकी लग रही है, सेल्फ वेट जो फ्लूइड का, उसके वजह से जो वेट लग रहा है, ठीक है। और इसमें दो आते हैं प्रेशर्स, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। टोटल प्रेशर बता दिया, टोटल प्रेशर डिफाइन होती है जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है किसी स्टैटिक बॉडी के द्वारा जब वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में होता है, जब वो नॉर्मली फोर्स एक्ट करे, उसे टोटल प्रेशर। और जहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है उसे सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर सबमर्स सरफेस में चार चीज़ों में, या तो वर्टिकली होगा, या हॉरिजेंटल होगा, या आपका इंक्लाइंड होगा, या आपका कर्व सरफेस होगा, उस केस में हम निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर उसे बोलते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ सरफेस। ये इसकी स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर करना था कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, कि टोटल प्रेशर या सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, इसकी आगे जो है वर्टिकल प्लेन सरफेस, हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस पे, या इंक्लाइन पे, या कर्व पे कैसे कैसे फोर्स एक्ट करते हैं, और हम टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं कि टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालिए। सेंटर ऑफ प्रेशर को एक तरीके से हम कह सकते हैं मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, जहाँ पे होल बॉडी की पॉइंट एक एक्ट करती हो उसे सेंटर ऑफ प्रेशर भी ले सकते हैं। जहाँ पे पूरे प्रेशर जो पूरे बॉडी का एक जगह एक्ट करे उसको ऐसे भी कह सकते हैं इन इजी केस। तो इसको हम आगे पढ़ते जाएंगे वीडियो में। ये इस वीडियो में आगे अब अगला जो टॉपिक आएगा वो वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकाला, ऐसे हॉरिजेंटल, इंक्लाइन सरफेस, इस तरह से। इस ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, इस चैप्टर में बस यही और कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक वीडियो देन मेक्स थम्स अप, और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।